सो फ्रेंड्स, व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने बहुत सारी रील्स बनाई हैं जो कि हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हैं, और व्लॉग थोड़ा सा लेट आता है तो हम इंस्टाग्राम पे पहले ही पोस्ट कर देते हैं और स्टोरीज वगैरह भी। तो आप लोग चाहो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर यूजर आईडी है गोयल फैमिली नोकझोंक। जाइए और मस्त मस्त सी रील्स देखिए, आपको सच में बड़ा मजा आएगा। मैंने, मम्मी और नकुल ने डांस किया है, तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। अच्छा, अम्मा जा रहे हैं, ठीक है, फिर आएंगे दो चार दिन में, तब मिलती हूँ। दो चार दिन में आएंगे फिर मिलती हूँ, ठीक है, दो चार दिन में आएंगे तब मिलती हूँ, ठीक है, चलो ओके बाय। ये मेरा लैपटॉप आगे ही रख लेते हैं, मैं रास्ते में वीडियो अपलोड करती हुई चली जाऊंगी। फ्रेंड्स, रास्ते में वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं और पूरे रास्ते नेट ढूंढती भी जाती हूँ बस में कि नेट मिल जाए, नेट मिल जाए, नेट मिल जाए। ऊपर नकुल, जल्दी आ जा। फ्रेंड्स, हम निकल चुके और हमें नहीं बताऊं कहाँ जा रहे हैं। मैं धर्मशाला जा रही हूँ, इधर की गाड़ी धर्मशाला और हम शायद नैनीताल जा रहे हैं, शायद अभी भी शायद ये बीच वाली गाड़ी अलग जा रही है। हो सकता है रास्ते तक फिर चेंज हो जाए प्लान हमारा। वो पता है स्टफ गोलगप्पे लाए हैं, यूँ कह रहे हैं कि 500 रुपए का तीन दिन का बजट है। 250 वाले लाए हैं, सिंपल आलू चने भर के। सोच रहे पैसे बचा लूंगा तो हमारे ढाबे पे जाने से पहले ही खा रहे हैं। 250 के बच गए, जैसे मेरे पापा पता क्या करते थे, रिक्शा हम घूमने जाते थे ना, तो मेरे पापा क्या करते थे, खुद कुछ नहीं खाते थे। मैं कह, तुम कह रहे कहीं तो पैसे बचाऊं, तुम तो बचाओगी नहीं मेरे, तो यही हाल तेरे पापा का। नकुल कौन सा ढाबा बता रहा है भाई तू? शिवा ढाबा हापुड़। फ्रेंड्स, नकुल कह रहा है शिवा ढाबा हापुड़ बहुत ज्यादा फेमस है, तो तुम्हें वहीं पे खिलाऊंगा। तो फ्रेंड बताएगा कि 500 रुपए में वहाँ तीन दिन का खाना हो जाएगा हमारा, इनका हमारा 500 रुपए। वो ये कहेंगे नैनीताल की जगह आप यही बर्तन मांझ लो। ए, बर्तन क्यों मांझेंगे हम, मैं घर पे नहीं मांझती बर्तन। चलो कुछ तो सच्चाई सामने आई। फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, मांझती हूँ मतलब रेगुलर नहीं मांझती। देख, भगवान जी की मूर्ति प्रणाम करो, भगवान जी ने दर्शन दिए हैं, हम नैनीताल जा रहे हैं। वहाँ पे पता है बहुत सारी एक्टिविटीज भी है, पानी में इधर से उधर जाना। मैं ना पहले ही बता रही हूँ, मैं बोटिंग वगैरह सब कुछ करूंगी, मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। पर दिशा, वो तार पे इधर जाने वाला ना, मैं नहीं कर सकती। क्यों, आप भी कर लेना। अरे मैं मोटी हूँ ना, बीच में गिर जाऊंगी पानी में। हाय, उनकी तार भी टूट जाएगी, उनका तो बिजनेस ही खराब हो जाएगा। शर्म नहीं आती तो ऐसे बोल रही थी मेरे पास? ऐसे बोलते हैं? ऐसे नहीं बोल रही, मेरा मतलब ये है कि वेट ज्यादा है ना, तो बेचारों को टूट फूट ना जाए बिजनेस। तो मैं खुद ही नहीं कर रही, मैं तो खुद से मना कर रही हूँ, तुझे सुनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, मैं खुद ही मना कर रही हूँ। तो नहीं नहीं मम्मी, मैं सुना नहीं रही, मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं वो तार वाला इधर से उधर पानी में नहीं जा सकती। मेरी पूरी ट्रैवल सिर्फ वीडियो अपलोडिंग में ही जाती है, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और लैपटॉप लेके आई हूँ, मेरी गोदी में इन्होंने मेरा लैपटॉप रखा है। गाड़ी में जगह नहीं ना दिशा, बैग इतने सारे हो गए, और मैं तो जिसमें की सिर्फ दो जोड़ी कपड़े लाई हूँ, वो ही दो के पहनूंगी। मैं भी सोच रही हूँ हम भी ऑफ लोडिंग के लिए वो ले लें, सौरभ जोशी ने लिया, उससे क्या होगा, आठ जोड़ी कपड़े लाए। मम्मी तुम भी नकुल के तो मेरे को आ जाएंगे, नकुल के आ जाएंगे। पजामा स्वेटर, अक्षरधाम आ गया। मैं ये कह रही हूँ कि आपने आज तक अक्षरधाम भी नहीं देखा, और अक्षरधाम आप करते भी रहते हो, तो आप अक्षरधाम उतरो और हम जब तक नैनीताल होके आ रहे हैं। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कैब मैं आपकी कर दूंगा। तू तो कैब करेगा ही, तेरे को पीछे तो बैठना पड़ेगा, जब खुली खुली सीट मिलेगी तेरे को। तो मेरे से ही परेशानी है, ये लड़का आपको कभी आपकी सेवा ना करे कैब वैब की, अभी आपकी कैब भी कर देगा। अब ये मेरी कैब कर देगा कि मैं ना घूमने जाऊं। फ्रेंड्स, इतने सालों से मम्मी हमारे कान खाती थी, नैनीताल चल लो, नैनीताल चल लो, नैनीताल चल लो। क्रेज नहीं है क्योंकि मुझे अभी मेरे दिमाग में धर्मशाला बैठ चुका था, इन लोगों ने सडनली प्लान चेंज कर। नहीं, हो सकता है आपका हम बर्थडे सरप्राइज पहले ही दे दें आपको, हम धर्मशाला ले जाएं और वहाँ पे हमने कुछ प्लानिंग कर रखी हो। इतना तो मुझे अपने बच्चों का पता, उनके बस की ना है इतना। तुम एक काम करो, बर्थडे प्लानिंग छोड़ो, मुझे एक iPhone 13 दिला दो, जो खर्चा वहां करोगे यहाँ कर दो। मुझे पता था सुबह उठकर सोते हुए या उठ करके कि मुझे ऐसे घूमने के लिए जाना पड़ेगा,
इंसान को पता हो लॉन्ग रूट पे जाना है, 5-7 मिनट ढंग से पोटे पुट्टे ही मार ले। मारी नहीं क्या आपने? ऐसे तो मार गया है, बट लॉन्ग रूट पे जाओ थोड़ा लगता है ढंग से, लॉन्ग रूट पे जाओ तो लगता है थोड़ा सा ढंग से अंदर तक निकाल लो है ना। मैं ही मेंटलो वाली बातें करती हूँ। नको तूने मार ली पोटे पुट्टे नको को बेचारा जाने की खुशी में तो भाग लिया बदी हुई, नको के पोटे भी ना उतरे होंगे जाने की खुशी में। नकुल कह रहा है तुम्हारे उतर लिए ना, हमारे तो सुबह ही उतर जावे। बोले कोई सस्ता सा रेस्टोरेंट बताइए, हमारा सिर्फ तेरे चाचा ने 50 मिनट्स 500 रुपए का बजट दिया है, सिर्फ 500 रुपए 50 मिनट्स 100 रुपए पर बंदा, 100 रुपए पर बंदा मोट कचौड़ी खाएंगे एक टाइम का, 100 रुपए पर बंदा बजट दिया है, 20 रुपए की मोट कचौड़ी आएगी, मोट कचौड़ी खाएंगे। सुनो एक टाइम का दिया ना तुमने, तो बोल ही नहीं रहे क्या हो गया? पूरे दिन का दिया है, एक टाइम का दिया है, 500 रुपए बजट, 3 दिन का 500 रुपए यही बैठो बस, फिर तो मोट कचौड़ी भी नहीं खा सकते, तो पानी पियो उसमें बच जाए तो वापस कर देना, पानी पियो पानी, फिर तो उसमें पानी की बोतलें ही आएंगी, पानी की बोतलें मैं लाया हूँ, फिर एक काम करो 3 दिन पानी पियो और जियो। मम्मी मैगी से भी हो जाएगा पानी, उसके पैसे दीक्षा नोनू मैं तो मैगी खाती, मैं क्या खाऊंगी फिर, मुझे तो पानी पे ही जीना पड़ेगा। जवे खरीद लेंगे, लो मेरे लिए जवे खरीद लेंगे, शर्म तो आती नहीं बिल्कुल भी, मेरे को घर छोड़ दो मुझे नहीं जाना। टू से फ्रेंड्स बट अब हम नैनीताल नहीं, हम शायद जिम कॉर्बिट जा रहे हैं, प्लान में आया है चेंज, पहले हम जा रहे हैं शिवा ढाबा कॉर्बिट फेमस ढाबा, शिवा ढाबा मामा यादव, ऐसा नकुल ने बोला कि यहाँ पे आएंगे और यहीं पे खाएंगे। नकुल खुशी बढ़िया जगह चले ना, हाँ चलो अभी तो हम क्या बेकार जगह जाते हैं। दीज आर माय न्यू स्लीपर्स फ्रेंड्स, वी हैव एंटर्ड द ढाबा। हाँ रेट भी हाई फाई है, मतलब नॉमिनल रेट है, चलो नकुल के कहने पे फ्रेंड हम आए हैं शिवा ढाबा और हियर इज द मेन्यू विद अस, सो अब हम क्या खाएंगे? मैं तो सोच रही हूं मेरी तो एक कर मतलब वो करना, कोई सुन आई एम थिंकिंग कि वो करा लेते हैं दाल मखनी मलाई कोफ्ता और अपनी ब्रेड्स बता, मैं तो बोलूँगी बटर रोटी, मैं बटर रोटी सिर्फ प्लेन रोटी, दो प्लेन रोटी, चार बटर रोटी और एक मिक्स परांठा, एक मिक्स परांठा, एक मिक्स परांठा, पापा का पता नहीं चाय आप लोगों की अभी है बात, अभी नहीं चाय में बात में अभी लिया, ओहो एक चाय अभी ले आना, सुन रहे एक चाय में बाद में पीऊंगा, तेरे को तो बहुत आराम लगे, कह रहा है एक चाय अभी ले आना, एक चाय में बाद में पीऊंगा, नको दो दो चाय पीगा। फ्रेंड्स प्राइसेस बहुत नॉमिनल है आप देख सकते हो। फ्रेंड्स 4 बजे हम सबका हो रहा है लंच और ये प्रॉपर एक तरह से ढाबा ही है, तो ढाबे पे भी खाने का अपना ही अलग मजा होता है, बट नकु को था कि यार शिवम ये शिवा ढाबा बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, तो वी गाइस शुड ट्राई ओवर हियर, तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो नकुल का क्या होगा, नकुल बिल पे करेगा फिर, मैं ये सोच सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ कि क्या होगा फिर नकुल का, फिर नकुल पूरा बिल पे करेगा, नकुल को अपने हिटलर चाचा के बारे में अभी अच्छे से पता नहीं है, अब पता चल बटर रोटी होए होए मुंह में पानी आ गया, दाल ओहो मक्खन मक्खन तो हिटलर फादर ने ले लिया, ये क्या किया फ्रेंड, मक्खन लेते छुपा भी दिया मक्खन, और वो हमने लिया मलाई कोफ्ता और ये प्लेन रोटी। फ्रेंड्स सर्विस इतनी क्विक है, इतनी क्विक है कि विद इन 2 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे हमारा खाना आ गया और एकदम गर्म और खाना एकदम टेस्टी नॉर्मल, बहुत बेसिक टेस्ट और बहुत मतलब अच्छा टेस्ट है और एकदम परफेक्ट है, और दाल मखनी के आगे सॉरी मलाई कोफ्ते के आगे दाल मखनी में मज़ा नहीं आ रहा, और वैसे अगर मैं सिर्फ दाल मखनी की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी है, कोफ्ता भी टेस्टी है। नकुल कहाँ पे पड़ेगा एग्जैक्ट? हापुड़, हापुड़ हाईवे पे। चाय 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 तू भी क्या चीज है, कभी ना पीऊं तुझे, कभी ना पीऊं तुझे, इसको छुटकारा मिल गया मेरी चाय बनाने के, बहुत दुखी रहती है मेरी चाय बना बना के, ये दिशा में घूमने आ गई, देख बनी बनाई चाय पी लू आज भी मैं।
नैनी दीक्षा लग जाती मैं भी शिवा ठहरा हूं। हां मैं यहीं पे बना लेती फिर तुम मुझे नैनीताल से आते हुए ले लेते। वाओ व्हाट अ चाय ब्रो। थोड़ी चीनी कम है पर चाय ओह तो मेरे मतलब की बिल्कुल नहीं है। हमारा जो बिल आया यहाँ पे वो आया सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज। अब फ्रेंड्स हमारा टारगेट 3 दिन का था 500 रुपए, तो हिटलर हस्बैंड जी ने कट डाउन कर दिया हमारा खाना 3 दिन तक के लिए। तो अब मैं आऊंगी तो यूं छप्पन छुपली सी बन के आऊंगी क्योंकि ना कुछ खाने को मिलेगा ना पानी पी जी के आऊंगी, तो हो सकता है कुछ वजन सरक जाए। क्या पता आपको नैनीताल में कोई सब्सक्राइबर मिल जाए आपका। अरे हाँ फ्रेंड्स प्लीज कोई मिल जाना, आप ही खिला देना। हिटलर हस्बैंड जी तो नाटक है कि 500 का बिल था वो तो उन्हें 780 यहाँ बनवा के छुट्टी कर दी। वो भी चाची मैं जा रहा हूँ आपके साथ। देखा मेरे बच्चों को कम से कम ये तो सुख है फ्रेंड्स कि आज मैंने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि चलो उनके पापा चाचा नहीं खिलाएंगे तो कम से कम बच्चे तो खिला देंगे मेरे को, इसीलिए मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं फ्रेंड्स कि मेरे का फायदा होता रहे, कि मेरा फायदा होता रहे। मैं आजाद हूँ 4-5 दिन कपड़ों से, किचन से, डस्टिंग से। गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया। फ्रेंड मेरे बाल देखिए क्या हालत हो गई आजादी में, मेरे बाल भी आजादी मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से, कपड़ों से, बर्तन से, डस्टिंग से, सबसे बड़ा किचन से। ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ ओ ओ, ओ। शाम के 6:30 बज रहे और अंधेरा देखो कितना ज्यादा हो चुका है और ऐसा लग रहा है 11-12 बज रहे हैं। यार उधर हो जाए यार, तूने सारी जगह मेरे ऊपर मेरा सारा वेट मेरे ऊपर कर रखा है। और मैं देखे मैं तो बिल्कुल लटक के बैठा कि मेरे दोनों बच्चे कंफर्टेबल बैठे हैं। ओहो मम्मी मम्मी अगर आपको ज्यादा इतना होता ना आपके बच्चे कंफर्टेबल बैठे तो आप आते ही ना, तो फिर मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखता अगर मैं ना आती तो, कि बच्चे खुल के जाए। आप दूसरी कार से आ रहे होते कि मैं एक प्राइवेट टैक्सी करूंगी कि मेरे बच्चे खुल के आए। हाँ सही है, मेरे पास इतने पैसे आए मैं बड़ी गाड़ी लेकर के उसमें खुल के आऊंगी। हाँ ना फ्रेंड्स अभी भी 3 घंटे का रास्ता है, तगड़ी नींद आ रही है और हमारी लाइट लाइटनिंग देख रहे हो आप। फ्रेंड जी आसपास कोई रहता है तो प्लीज अपने घर में आज सुला लो, नैनीताल की आज सुला लो। क्या कह रहे हो, हमारे तो रूम भी बुक नहीं है और एक्सट्रीम खतरनाक रास्ता चल रहा है और मतलब नाइट ड्राइविंग नाइट ट्रैवलिंग का भी एक अलग फन है। एंड फ्रेंड्स अभी हम डर भी गए थे, अभी अभी हाँ तू तो सा अभी अभी हम हाँ। एक शेर आ गया था और मैं डर गया था वो फ्रेंड्स आ गए मतलब मैं नहीं चाची निक्कू और चाचा और दीक्षा डर गए थे फिर मैंने आगे जाकर ड्राइव करके मैं लेकर गया इनको बाहर। फ्रेंड्स खतरनाक रास्ता बट ये भी एक मतलब मजेदार एक्सपीरियंस है। Life is all about experiences. Friends, अभी सिर्फ और सिर्फ 8:10 हो रहे हैं, 8:10 और ऐसा लग रहा है रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे आसपास कुछ नहीं हो, मतलब इतना स्केरी एक्सपीरियंस चल रहा है हम लोगों का। ये देखिए कितना बुरा खड्डे है। हाँ बोल पूरा नीचे वही खाई खाई पूरा जंगल यार, लैंडस्लाइड बहुत हुई है। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हुई हैं एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग डिफरेंट रात के 8:10 पे और सही में ऐसा लग रहा है 2-3 बज रहे हैं रात के। नकुल मेरे मुंह पे लाइट मार, आई वांट टू टॉक विद माय फ्रेंड्स, तेज लाइट मार ना। ये तो सबके तूने ब्राइटनेस ऑफ कर दिए खुद ने तो है फ्रेंड्स को मुझे कुछ बताना है। बदबू कर दिया तूने पास मान मार के फ्रेंड्स सुनो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन फैमिलीज पहाड़ों पे आती भी हैं फिर हनुमान चालीसा भी जपती हैं। नहीं मतलब जनरल बता रही हूँ कि मेरे माइंड में थॉट आया
कि इंडियन फैमिलीज पहाड़ों पे या मतलब खतरनाक जगहों पे आती भी हैं। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और होटल देख रहे हैं। तो ये देखिए, हमने एक होटल देखा है, इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है। और ये देखिए, ये दीक्षा गोयल जी रूम देखने गई है, ये वाले ऊपर। क्या कमी है फ्रेंड्स, हम लोग होटल रूम देख रहे हैं तो ये हमें नॉमिनल सा लग रहा है, बट अभी मतलब अच्छा है, नॉट बैड। लिटरली कुल्फी जम रही है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 9:20 और हम लोगों को रूम्स मिल चुके हैं। और रूम के प्राइसिंग वगैरह मुझे बहुत सही लगी, बहुत नॉमिनल लगी, और उस हिसाब से रूम भी बहुत मतलब सिंपल सोबर प्यारा सा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं, अभी निकालेंगे। और हमें ना कोई बाहर व्यू वाला रूम नहीं मिला, यहाँ पे सब रूम फुल थे एकदम। और ये हमारा रूम हो चुका है फाइनलाइज, और गद्दे इतने सॉफ्ट, मजा आ गया। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट बात इस होटल की कि यहाँ पे वाईफाई मिल गया और उन लोगों ने कनेक्ट भी कर दिया। एंड हम लोग को कॉस्टिंग इतनी मतलब इतनी रीजनेबल पड़ी कि 7,000 में हम लोगों के रूम्स हुए, 2 रूम्स हुए 3 दिन के लिए। और इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने रूम चेंज कर लिया अपना, हमें छोटा सा रूम मिला है। कोई बात नहीं, हम कंफर्ट वाले हम, क्योंकि हमें दो ही सोना है। वो ठंडी है, दीक्षा रजाई तो बहुत ठंडी है। हाँ, ठंड है ना, रजाई ठंडी है, अभी गर्म हो जाएगी। ये लोग पता क्या करेंगे अभी, भैया और नकुल, अगर हमारी रजाई गर्म हो गई तो एक्सचेंज कर लेंगे। बहुत ठंडी है, ठंडा फ्रेंड्स, ठंडा। पापा न्यूज चला के चले गए यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना आ चुका है। यार, तंदूरी रोटी नहीं है? नहीं, तवा रोटी है भाई, नॉर्मल खाने दीक्षा, पेट खराब ना हो तेरा। ओहो नकुल, ड्रामे।